योग में कई आसन ऐसे भी हैं जिनका नाम उन ऋषियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने योग में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। जी हाँ, योग में जितने भी आसन हैं वे विशेषकर पशु पक्षियों के नामों से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ एक आसन योग में महारत हासिल करने वालों के नाम पर रखे गए हैं। अजय शर्मा ने बताया कि योग में वात्यान आसन एक ऐसा आसन है जो वात्यान ऋषि के नाम पर, जिसका नाम रखा गया है। वात्यान ऋषि ने इसी आसन में तपस्या की थी। इस आसन से होने वाले लाभ के बारे में उन्होंने बताया कि मधुमेह, अनिद्रा और शरीर के निचले भागों में होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को लगाने के लिए एक टांग को मोड़कर कहलों के पास पैर को रखा जाता है और उसी अवस्था में नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठा जाता है। इस आसन से पिडलियों और थाई पार्ट काफी पुष्ट हो जाते हैं। इस आसन को यदि रोजाना लगाया जाए तो काफी हद तक शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि वातायन आसन 3 से 5 बार नियमित रूप से हर रोज लगाना चाहिए, लेकिन महिलाओं व लड़कियों को ये आसन नहीं लगाना चाहिए। नमस्कार, आज हम लगाएंगे वातायन आसन। वातायन आसन बहुत ही अच्छा आसन है और बढ़िया आसन है। यह आसन विशेषकर हमारे कमर दर्द के लिए या जो अंदर के हमारे पार्ट हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इस आसन को जरूर करने की कोशिश करें। तो करना कैसे है और इस आसन को लगाना कैसे है, तो आइए सबसे पहले खड़े हो जाएं। इस तरह से जैसे हम खड़े होते हैं तो खड़े होने के पश्चात एक टांग के ऊपर अब हम धीरे धीरे वजन देंगे। कैसे? आप दाहिनी टांग को इस तरह से पकड़ लीजिए और इसको इस तरह से घुमाते हैं, फिर थोड़ा सा इसको हाथों के ऊपर बैलेंस दे करके फिर थोड़ा नीचे ऊपर नीचे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फिर नीचे कर लिए। दूसरी टांग को भी आपने क्या करना है उसे पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। उसके पश्चात आप इस तरह से लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे पांव को बिल्कुल, क्योंकि आपने एक पांव के ऊपर वजन लेना है और अपने घुटने बिल्कुल इसके लिए तैयार होने रहनी चाहिए इस तरह से। फिर इस तरह से ऐसे आप इस तरह से और इसको आगे पीछे घुटनों के लिए। उसके पश्चात क्योंकि इसे हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होने लगती है, जैसे हम इसको गर्माहट देंगे, उसके पश्चात धीरे धीरे अब दाहिने पांव को उठाया और अपने यहां पर हिप पार्ट अंदर की तरफ को ऐसे थाई पार्ट से ऊपर पेट के नीचे यहां पे आप इसको लगा लिया और आपका घुटना बिल्कुल नीचे की तरफ को आ गया और वजन आपका एक पैर के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर इस तरह से आ गया। अब थोड़ा सा खड़े रहें और अपने आप को ऐसे फिर इस तरह से। अब करना क्या है, इसी आसन को अब नीचे धीरे धीरे झुकें, जमीन पर हाथ इस तरह से रखें, घुटने की बात ऐसे बैठ जाए ऐसे इस तरीके से, और जैसे घुटना नीचे लग गया अब इसको नमन की अवस्था में इस तरह से रखें और ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से। बिल्कुल घुटने के ऊपर वजन, पूरा घुटना आपका उड़ा हुआ है और पूरी तरह से थाई पार्ट और पिंडलियां एक में सटी हुई बिल्कुल, और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसमें इसको वातायन आसन कहा जाता है। ये बहुत अच्छा आसन है, हरने के लिए बहुत ही लाभदायक है, या फिर जो साइटिका जैसी दर्द होती है उसके लिए बहुत लाभदायक है। इसको इस तरह से फिर दोबारा से हाथों को नीचे किया और फिर इसको इस तरह से खड़े हो गए ऐसे, और फिर धीरे धीरे टांग को हाथ से पकड़ा और जमीन रखा ऐसे। यही प्रक्रिया दूसरी टांग से भी करेंगे। वो कैसे करनी है, वो इस तरह से आपने उठाया और इसको यहाँ पे अपने हिप पार्ट अंदर की तरफ को इसे लगा लिया इस तरह से और हाथों को फैला करके फिर धीरे धीरे जमीन पर ऐसे और इस तरह से लगा करके
हाथों को इस तरह से 1 2 3 4 5 6। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।